अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप वो कैंडिडेट्स हैं या उस उम्र में हैं जहां पर कि आप कुछ करना चाहते हैं, वो स्पिरिट आप रखते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, और पेरेंट्स को या आसपास वालों को आपके लाइफ में जो मैटर करते हैं उनको आप अपने सपनों पे ट्रस्ट कैसे, उनको भरोसा कैसे दिलाएं। फ्री रिसोर्सेज जुटाना, जैसे कि इंटरनेट से पढ़ पाना या किसी के घर से जाके न्यूज़पेपर पढ़ना, वो सब उसने किया, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी, किसी भी कहानी से कुछ भी मोरल आप ले सकते हैं, वो आपकी समझ के ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मनीषा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड पर्सनालिटी कोच। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज मेरा लाइफ पर्पज भी यही है कि जो बच्चे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस देना, उन्हें ये फील कराना कि वो जो सोचते हैं, जो सपने देखते हैं, वो पूरे हो सकते हैं। आइए एक कहानी सुनाती हूँ आपको। दो बच्चे हैं, जस्सी और निमी। जस्सी बहुत कॉन्फिडेंट है, निमी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है लेकिन इंटेलिजेंट है। ओके, जस्सी बॉय है, निमी गर्ल। दोनों बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं। जस्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे शहर जाना है और मेरे कुछ सपने हैं, वो सपने मुझे पूरे करने हैं, मुझे शहर जाके पढ़ाई करनी है, बिकॉज ये छोटे गांव में रहते थे। वहीं निमी भी ये सपना देखती थी कि मैं बड़े होके शहर में रहूं, शहर के तौर तरीके देखूं, कुछ बड़ा नाम करूं, कुछ बन जाऊं। गांव की पढ़ाई से उसे लगता था कि उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। उसने भी अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर की, लेकिन गर्ल होने की वजह से या किन्हीं भी कारणों से उसके पेरेंट्स ने उसका सपोर्ट नहीं किया। वहीं जस्सी के पेरेंट्स ने समझा इस बात को और ये भी सोचा कि बॉय है, गुजारा तो कर ही लेगा, और अच्छा है अगर कोई हमारे परिवार में आगे निकल जाएगा तो पूरे परिवार का नाम होगा। ये सोच के जस्सी को बाहर पढ़ने भेज दिया, बट निमी गांव में रहते हुए ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती है। जस्सी अपना दिलो जान से मेहनत करता है, इस बात को समझता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये मौका दिया बाहर आने का, वरना देखो निमी है या कोई एक्स वाई जेड और भी बच्चे हैं जो जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो इस बात की वैल्यू रखता है, कद्र करता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। वहीं जो निमी है ना, वो भी दिलो जान से पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे अपना सपना तो पूरा करना है, मुझे कुछ बनना तो है। थैंक्स टू इंटरनेट वो यूट्यूब वीडियोस देखती है, वो दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसके पास चैलेंज क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं अब क्या करोगे इतना पढ़ लिख के, गांव में रहते हैं हम, तुम्हारी शादी कर देंगे जल्दी, है ना, थोड़ा झाड़ू पोछा घर का काम ये सब भी सीखो, गलत बात तो नहीं है, आना तो चाहिए, ये भी लाइफ स्किल है। सो निमी क्या करती है, सारा काम करती है, मेहनत करती है, जब उसको थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तब उस टाइम पे वो अपना प्रिपरेशन करती है, थोड़ा थोड़ा ट्यूशंस पढ़ाने लगती है, जो गांव में बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, मेहनत करती है और पैसे अर्न करती है, और जो जरूरी चीजें हैं पढ़ने के लिए या इंटरनेट रिचार्ज जो भी उसको कराना है वो सब उससे कराती है, थोड़ा बहुत बचाती है जो उसको लगता है कि मैं फ्यूचर में स्पेंड करूंगी। यहाँ पर जस्सी के पास जब भी वो डिमांड करता यहाँ से पेरेंट्स की तरफ से पैसे भेज दिए जाते, लेकिन निमी के पास में चैलेंज था। दोनों के पास 24 घंटे थे जिसमें आई थिंक सोने के अलावा सारा टाइम जस्सी पढ़ाई को देता था और निमी सोना, पढ़ाई करना, घर के काम करना, दूसरों को पढ़ाना, बहुत सारी चीजें मैनेज करती थी। पेरेंट्स को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी कि मुझ पर विश्वास करो, मेरे सपनों पर विश्वास करो, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। वक्त गुजरता गया, निमी ने बहुत से एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल किए, एग्जाम्स भी दिए, शहर जाके वो एग्जाम देती और वापस लौट के आ जाती। उसका मन तो करता मैं यहीं रह जाऊं, यहीं रुक जाऊं, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लूं, बट शी वॉज नॉट अलाउड। एक दिन क्या होता है ना, उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब हमें बेटी बड़ी हो गई है, शादी करनी है।
निमी बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत समझाती है, बट पेरेंट्स नहीं समझते। और वो दिन आ जाता है जब निमी की इंगेजमेंट होने वाली है, और तभी जस्सी भी आता है। उसका स्कूल फ्रेंड था, पड़ोस में ही रहते थे, तो जस्सी भी उस प्रोग्राम में आता है जब उसकी इंगेजमेंट होने वाली है। जस्सी आता है और जस्सी अब मेडिकल में एडमिशन ले चुका है, वो डॉक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर निमी बहुत सैड है। निमी को लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी काबिलियत मुझ में थी, लेकिन क्या रिजल्ट? कुछ नहीं। एट द एंड आई हैव टू गेट मैरिड। अब बाकी तो घर, जो फ्यूचर ससुराल और फ्यूचर घर वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मैं पढ़ सकती हूँ या अपने सपने पूरे कर सकती हूँ या नहीं। गॉड नोज हाउ दे विल बी। बहुत सैड होती है। इंगेजमेंट होने ही वाली होती है कि पोस्टमैन आता है एक डाक लेके। डाक में होती है निमी की खुशकिस्मती। बहुत सही टाइम पे निमी का इंटरव्यू कॉल लेटर होता है उसमें। आप सोच सकते हैं निमी कितनी खुश होती है। ये कहानी जो है इसमें दोनों ही हैप्पी एंडिंग है, जस्सी की भी लाइफ और निमी की सपनों की उड़ान भी। जो फर्क है, जिस फर्क को समझाने के लिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई है, वो ये है कि सफल जो हो सकता है या होना चाहता है, वो किन्हीं भी चैलेंजेस के बावजूद भी सफल हो सकता है। लेकिन अगर सफलता में अपनों का साथ होता है, तो वो जो रास्ता है, वो जो सफर है, वो बड़ा ही सरल आनंदमय होता है। लेकिन जब अपने हम पे भरोसा नहीं करते, या समाज के डर या किन्हीं भी बंधनों की वजह से हमें सपोर्ट नहीं करते या कर पाते, तब भी सपना पूरा किया जा सकता है। आप हार ना माने। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, उन आसपास वालों से, अगर कोई सपना देख रहा है, उसके सपने पर एक बार भरोसा करके देखें, क्योंकि वरना उनका सफर थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है, स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा होती है। सपने तो जस्सी के भी पूरे हुए, सपने निमी के भी पूरे हुए, लेकिन निमी को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। और जस्सी वहां अपनी फैमिली के साथ शुरू से ही खुश है। और आज अगर जस्सी से आप पूछोगे तो वो यही कहेगा, मैं अपने फादर को क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सपने को समझा, मैंने उनसे एक बार कहा और उन्होंने मुझे भेज दिया शहर पढ़ने के लिए, मुझे कोई असुविधा नहीं होने दी। और वहीं निमी से पूछा जाएगा तो निमी की कहानी में ये होगा कि मुझे अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, या उन्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं था, या समाज के डर से वो मेरा सपोर्ट नहीं कर पाए, मैंने बहुत कष्ट झेले और आज मैं यहां पहुंची हूं। कहानी दोनों सच है। दोनों टाइप की कहानी हमारे देश, हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं। आपके आसपास भी कोई जस्सी होगा, कोई निमी होगी। आप जो ये सुन रहे हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो प्लीज जस्सी के पेरेंट्स जैसे बने। और अगर कैंडिडेट्स हैं, मोटिवेशन लेना चाहते, कुछ करना चाहते, खुद पे भरोसा है लेकिन आपको लगता है आसपास वालों को कैसे समझाएं, तो उसके टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। लेकिन मैं आपसे उससे पहले दो बातें बोलना चाहती हूं कि अगर आप जो सुन रहे हैं वो जस्सी हैं, सो माय बेस्ट विशेस एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप निमी हैं तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि काश मैं जस्सी होता। आप निमी भी हैं तो आप एंड रिजल्ट देखिए, ठीक है। और इसका पॉजिटिव साइड आपको बताती हूं कि जस्सी को ये बात नहीं समझ आएगी कि खाना कैसे बनाते हैं, अपनों को साथ लेते हुए मेहनत करते हुए सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी अपनी सफलता का हिस्सा कैसे बनाते हैं, अपनी सफलता के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में भी रिसोर्सेज कैसे जुटाते हैं। लेकिन अगर आप निम्मी हैं तो आपको ये सब पता होगा। आपको ये पता होगा
कि मेरे पास कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा या पा रही हूं। आप अपनी चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, जैसे निमी ने किया। निमी को शहर जाने के लिए परमिशन नहीं थी, तो उसने गांव में रहते हुए गांव के बच्चों को पढ़ाया। गांव में जितना उससे पॉसिबल था फ्री रिसोर्सेज जुटाना, जैसे कि इंटरनेट से पढ़ पाना या किसी के घर से जाके न्यूज़पेपर पढ़ना, वो सब उसने किया। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी, किसी भी कहानी से कुछ भी मोरल आप ले सकते हैं, वो आपकी समझ के ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आई होप आपको ये कहानी मोटिवेट करेगी। आई होप इस कहानी का आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव इंस्पिरेशन के रूप में योगदान रहे। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप वो कैंडिडेट्स हैं या उस उम्र में हैं जहां पर कि आप कुछ करना चाहते हैं, वो स्पिरिट आप रखते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, और पेरेंट्स को या आसपास वालों को आपके लाइफ में जो मैटर करते हैं उनको आप अपने सपनों पे ट्रस्ट कैसे, उनको भरोसा कैसे दिलाएं। सबसे पहले तो समझे कि आपका ड्रीम क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस के मायने क्या है। खुद इन सवालों के जवाब पहले लिखिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ कि आप हमेशा पेन और पेपर का सहारा जरूर लीजिए, बिकॉज उससे क्या होता है ना कि आपके सामने चीजें होती हैं लिखी हुई जिनको कि आप पढ़ सकते हैं। हमेशा चीजें आपके पास होनी चाहिए। खुद सवाल कीजिए, सवालों के जवाब लिखिए। तो पहले खुद से सवाल कीजिए कि मेरा सपना क्या है, इस सपने को पूरा करने के लिए मेरी प्लानिंग क्या है, या क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या रास्ते हैं। आप किसी भी उम्र में हो सकते हैं। हो सकता है आपका सपना छोटा हो फिलहाल और आपको पता ना हो कि मैं फ्यूचर क्या चाहता हूँ। हो सकता है आपका सपना सिर्फ इतना हो कि मुझे शहर जाके पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, है ना। वो जवाब ये भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि शहर जाके अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या चुनूं। ये भी एक गोल हो सकता है आपका। तो आप अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आपका गोल क्या है। किसी का गोल आज से ही ये हो सकता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और हो सकता है बाद में वो चेंज हो जाए, लेकिन आज अगर आपका गोल है और आपके पास में वो रिसोर्सेज नहीं है, तो आप देखिए ना उन रिसोर्सेज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। अपने सपने और अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग आपको करनी है। आप प्लान कीजिए, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जब जाते हैं ना, तो अनप्लान्ड मत जाइए। हवा में बस एक डायलॉग बोलते हुए मत जाइए, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर पेरेंट्स को ये दिखेगा कि बच्चा पूरी प्लानिंग के साथ आया है और इसकी तैयारी पूरी है कि ये क्या करना चाहता है, मेरे हर सवाल का जवाब इस बच्चे के पास में है, और वो आपको उसके बाद जब ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, और वो देखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपने जो प्लानिंग उनको बताई उस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो भले ही तुरंत आपकी बात ना माने, भले ही आप पे भरोसा ना दिखाएं, विश्वास ना दिखाएं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें आपके सपने पे पूरी तरह भरोसा हो जाएगा। तो आपके पास प्लान क्लियर होना चाहिए और उस प्लान पे आप वर्क करने चाहिए, ठीक है। इज कि सपना आपका है, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या आपके जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन लोगों का नहीं है। ये सपना तो आपने देखा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सपने को समझाते किस तरह से हैं। ये आपकी स्किल है। आप अब उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, टिप बताती हूँ। अगर आप कोई बात बोल के एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला उसको वैसे ही समझे, तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या गारंटी है सामने वाला वैसा समझ पाएगा या नहीं। तो कभी भी जब भी कोई बात आप रखते हैं, सामने जिसके सामने रख रहे हैं, आपको थोड़ा सा इस तरह से रखनी चाहिए कि सामने वाले को भी उसमें कुछ अपना
मुझे कुछ बेटर वर्ड नहीं मिल रहा, फायदा दिखे, या ये समझे कि कुछ ऐसा पॉजिटिव मोटिवेशन या इंस्पिरेशन दिखे, या यूं कहें कि सामने वाले का भी कोई इंटरेस्ट शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक कॉमन ऑक्यूपेशन है इसलिए, तो अगर आप इस तरह से कहें, खैर डॉक्टर इंजीनियर इज सच अ गोल एंड सच अ रोल दैट पेरेंट्स डोंट ऑब्जेक्ट अंटिल एंड अनलेस देर आर सम हर्डल्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस हो कि बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो आप बोलिए कि, तो आप बताइए कि मैंने ये वेज फाइंड किए हैं, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा, इतने स्कॉलरशिप लूंगा और इस तरह से बिना पैसे के, कम पैसे में मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं। उसके अलावा क्यों तुम्हें यही बनना है, अगर पेरेंट्स का क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये बताइए कि इससे क्या होगा, मैं आपका इलाज करूंगा, है ना, घर में एक डॉक्टर रहेगा, राइट। सो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, वैसे ही कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनके बारे में एक्चुअली पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं, बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज कहो मुझे क्रिकेटर बनना है, बहुत नाम है, बहुत पैसा है, लेकिन टीम बहुत लिमिटेड लोगों की होती है और आपको वहां तक पहुंचने का चांस मिलेगा, यानी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट नहीं होता। पेरेंट्स चाहते हैं उस रास्ते पे, आप बहुत कम पेरेंट्स जो सपोर्ट करते, तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनको चैलेंज फेस होता है। तो आप कहिए, आप बताइए उनको कि देखिए मुझे इसके फायदे ये दिख रहे हैं, आपका बेटा अगर क्रिकेट फील्ड में जाता है, भले मैं तो बनना चाहता हूँ नंबर वन प्लेयर बट नहीं भी बन पाता हूँ, तो ड्यूरिंग द जर्नी मेरी हेल्थ कितनी अच्छी होगी, मैं कितना फिट रहूंगा, है ना, और स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आपने वो मूवी देखी है धोनी, आपने वो देखा है, अगर आपका सपना सिर्फ इतना ही है कि मैं ये कर लूं और वो ना करूं, तो वो तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मिल जाएगी, मैं स्टेट्स खेलूंगा, नेशनल खेलूंगा, मैं अपना सपना भी जी रहा हूं और हो सकता है आपका सपना भी ऑन दिस वे पूरा हो जाए। अगर आप मॉडलिंग में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स बहुत हेजिटेट करते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आप वहां पर भी उन्हें इस तरह से मोटिवेट कीजिए, इस तरह से अपनी बात को रखिए कि उनका जो थॉट है, जो उनको पता है ऑलरेडी, जो एक पिक्चर है उसको आपको पहले साफ करना है, उसको अनलर्न कराना है, फिर नई पिक्चर देनी है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट है, मैं आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करूंगी, ये मेरी भी कंडीशंस होंगी, सब सब बात करो उन बातों पे जिन बातों का उनको डर है, ये मेरी कंडीशंस होंगी, ये आपकी कंडीशंस है, मैं इन सब पे हमेशा कंप्लाई करूंगी एंड ट्राई करना चाहती हूँ फॉर 1 ईयर 2 ईयर, गिव मी सम टाइम टू ट्राई, राइट। कन्विंस करना है, क्यों आपको लगता है कि आप बन सकती हैं उसका प्रूफ देना है, क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने हैं एंड ओपन फॉर डिस्कशन रहना है। जब भी आप अपने पेरेंट्स या लव्ड वंस या जो भी आपके खास लोग हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, तो एक तरफा बात नहीं करनी है कि मैंने सिर्फ बात बोलनी है, आपको बात समझनी भी है, क्योंकि ये एक YouTube वीडियो है, तो मैं आपको पर्सनली तो बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरी ये बात कौन सुन रहा है, किस तरह से ले रहा है। यू बेटर नो वेदर योर गोल इज रियलिस्टिक और नॉट। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक गोल्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तब आप देखिएगा, अगर यहाँ पर बटन में भी मैं दे पाई लिंक तो आई शेयर। तो अगर आपका गोल रियलिस्टिक है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कन्विंस कीजिए, अगर नहीं है तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन आपको समझ आएगा। अगर उन्होंने सवाल किया कि मान लो तुम नहीं सफल हुए, फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन आइडल के ऑडिशन में जा रहे हो, तुम नहीं सफल हुए, फिर क्या करोगे, इस बात का जवाब होना चाहिए। हाँ मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगा, फिर तो मैं सैड हो जाऊंगा, या नहीं हुआ तो फिर ये हो जाएगा, आपके पास एक पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, बिकॉज योर पेरेंट्स आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट योर लाइफ, दे डोंट वॉन्ट यू टू गो इन टू डिप्रेशन, वो नहीं चाहते कि आप बहुत इफेक्ट हो जाए, वो चाहते हमारे बच्चे खुश रहे, है ना। तो आपको एक कॉन्वर्जेशन सेट करनी है,
आपको अपने गोल्स का प्लान बनाना है, वो प्लान उनको बताना है, उनके सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो ये नहीं गुस्सा हो जाना कि ऐसे मैंने 5 सवाल के जवाब रेडी किए थे, इन्होंने तो 6 क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बजाय वो 6 क्वेश्चन नोट कर लो कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। पेरेंट्स को बोलो मैं इस सवाल का जवाब सोच के या प्लान करके या ढूंढ के आपको दूंगा, हम फिर कंटिन्यू करेंगे ये डिस्कशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप सपोर्ट मांग रहे हैं तो वो एक कॉन्वर्जेशन का में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप तो सपोर्ट मांग रहे हैं पेरेंट्स का, आप एक बात बताइए, जब नेताजी वोट लेने आते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, पार्टी सपोर्ट मांगती है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, क्या एक दिन में ही वो सपोर्ट बन जाता है? क्या एक मीटिंग में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ इनको देना है इनको नहीं देना? आप भी तो पूरे एक साल का काम देखते हो, एक साल का व्यवहार देखते हो, इतनी सारी उनकी सभाएं होती हैं, इतनी सारी रैलीज होती हैं, इतने सारे भाषण होते हैं, कोई पार्टी वोटिंग के लिए मेहनत ही नहीं करी है, सिर्फ वोट मांगा, उसके बाद में उनका जो उन्होंने बोला और जो किया वो मैच नहीं कर रहा, तो आप डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं इस बार इनको तो नहीं देना, इन पे तो भरोसा नहीं करना। सेम थिंग कि अगर आप सपोर्ट मांग रहे हैं अपनों का, तो अपनों को भरोसा तो दिलाना पड़ेगा ना, तभी तो सपोर्ट करेंगे ना वो आपका, है ना। तो एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करनी है। इतना अच्छा करने के बाद भी कभी कभी पार्टीज हार जाती हैं, तो क्या निराश हो जाती हैं? नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, है ना। तो अगर हार जाते, निराश हो जाते, तो सपने पूरे नहीं कर पाते, तो वो तो आपके हाथ में है ना कि जस्सी बनना है या निम्मी बनना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप दिस वीडियो यू फाइंड इन योर बेनिफिट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो। जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में पता चले। एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ ऑन सम गुड टॉपिक, जिससे कि आपको सफल होने में सहायता मिले, प्लेजेंट पर्सनैलिटी डेवलप करने में आपका सपोर्ट हो। आप लोगों की ही फरमाइश पर अभी मैंने हिंदी में वीडियोस बनाने शुरू किए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जिन बच्चों तक मैं पहुंचना चाहती हूँ जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो भी हिंदी बहुत आसानी से समझ पाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्या आपके क्वेश्चंस हैं, क्या डिलेमास हैं, उन पर भी मैं वीडियोज आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी।